लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। बीजेपी उत्तराखंड की पांचों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस में अभी तक दो सीटों पर कैंडिडेट फाइनल नहीं हो पाया है। इस बीच हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल अपने बेटे के लिए हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट चाह रहे हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट काफी कुछ इशारा कर रही है। टिकट के ऐलान से पहले सोशल मीडिया पर सपोर्ट वीरेंद्र रावत के भी कई पोस्टर तैर रहे हैं, तो अब हरीश रावत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल हरदा ने अपने फेसबुक पर ट्रैक्टर पर सवार अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए हरिद्वार हैशटैग के साथ लिखा, आपके संघर्ष का साथी हरीश रावत का मान रखें, साथ दें। हरीश रावत की इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि हरिद्वार लोकसभा सीट से एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर हरीश रावत मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि संभावना ये भी है कि हरीश रावत की जगह उनके बेटे वीरेंद्र रावत पर भी कांग्रेस दांव खेल सकती है। मतलब कुल मिलाकर हरिद्वार लोकसभा सीट पर हरीश रावत एंड फैमिली से ही किसी को टिकट मिल सकता है। आपको बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से होगा, जिन्हें निशंक का टिकट काटकर इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा है। ऐसे में प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल हरिद्वार लोकसभा सीट पर इस बार भी मुकाबला दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि हरिद्वार में इस बार फिर से कमल खिलेगा या फिर जनता कांग्रेस का हाथ थामेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Instagram चैनल को भी जरूर फॉलो करें।